सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर थ्री एंड इट इज ओनली फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स इट टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड अभी नहीं बताऊंगा फर्स्ट विल हम अपने टॉपिक पर जाएंगे सो विदाउटिंग स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी क्वेश्चन नंबर ए इज मैच दिक्चर्स नाउन्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड ऑन द राइट यानी आपको यहां पर लेफ्ट साइड पर कुछ नाउन्स दे रखे हैं अब चलो नाउन्स को रिकैप करके देखें क्योंकि हो सकता है किसी को याद हो या ना हो कि वॉट इज नाउन तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल और जो उनके नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना जो उनके नाम होते हैं उन्हें हम नेमिंग वर्ड कहते हैं चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो चाहे किसी एनिमल का नाम हो चाहे किसी थिंग का नाम हो या फिर किसी प्लेस का नाम हो तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं नाउन क्या कहते हैं नाउन तो अब समझ में आया कि लेफ्ट साइड पे कुछ नाउन वर्ड्स हैं यानी कोई थिंग होगी कोई पर्सन होगा कुछ भी होगा लेकिन नाउन होगा और उसको सामने वाले कॉलम में जो वर्ड्स हैं सही अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ हमें मैच करना है जैसे यहाँ पर एक करके आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ब्रेक्स ब्रिक्स क्या होती हैं हार्ड यस फिर सेकंड इज नाइफ नाइफ होता है ना नाइफ क्या होता है शार्प होता है तो हमने उसको शार्प के साथ मैच कर दिया फिर है पिलो ये भी नाउन है क्योंकि ये एक थिंग है ब्रिक्स नाइफ और पिलो ये तीनों ही नाउन है क्योंकि ये एक थिंग्स के नाम है तो पिलो क्या होता है वो सॉफ्ट होता है ऐसे ही केक केक इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट इज नाउन तो केक क्या होता है हम्म स्वीट यस फिर उसके बाद है प्लांट प्लांट इज ऑल्सो अ थिंग दैट इज नाउन प्लांट क्या होता है ग्रीन यस एंड सन सन इज ऑल्सो अ थिंग तो थिंग कह दीजिए लेकिन वो नाउन ही है तो सन क्या होता है ब्राइट ब्राइट के साथ हम इसको मैच कर देंगे तो इस तरह से हम जो वर्ड्स हैं जो नाउन है उनको वर्ड्स के साथ मैच कर देंगे तो इससे हमें क्या समझ में आया कि द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब्स द पिक्चर नाउन्स ऑन द लेफ्ट यानी जो नाउन की पिक्चर्स दे रखी है ना लेफ्ट साइड पर जो राइट right वाले वर्ड्स हैं जो दाई तरफ आपके वर्ड्स हैं वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब यानी उनके बारे में कुछ हमें बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी इज़ राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग यू मे यूज़ वर्ड्स फ्राम द बॉक्स बिलो यानी यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है उसमें से आप वर्ड्स को चूज कर सकते हैं और हर क्वेश्चन uh, में जो भी आपसे पूछा गया उसको केवल डिस्क्राइब करना है उन वर्ड्स के थ्रू ओके okay? तो लेट्स स्टार्ट ये यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है इसमें से आपको वर्ड्स चूज करने हैं क्या करने हैं वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं ओके okay? तो जैसे फर्स्ट है राइट थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज रोज़ को डिस्क्राइब करने वाले कोई तीन वर्ड्स बताने कि रोज रोज़ कैसा होता है गुलाब का फूल कैसा होता है पिंक ओके यस ब्यूटीफुल यस एंड फ्रेग्रेंड यानी खुशबूदार होता है है ना तो ये तीनों वर्ड्स हमने नीचे वाले बॉक्स में से चूज किए हैं फिर सेकंड है राइट थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ यानि आपको अपने बारे में बताते हुए कोई तीन वर्ड्स जो नीचे बॉक्स है उसमें सेलेक्ट करनी है तो कॉन्फिडेंट यू आर यू अ कॉन्फिडेंट येस यू आर अ कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक आप एनर्जेटिक भी हैं कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास से भरे हुए और एनर्जेटिक मतलब खूब आपके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए एनर्जी है और हार्ड वर्किंग आप सभी हार्ड वर्किंग हैं मैं तो ये मानता हूँ कि आप सभी हार्ड वर्किंग हैं तो ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो आप सब के अंदर हैं थर्ड इज़ राइट थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड यानी आपको अपने फेवरेट फूड के बारे में कोई थ्री वर्ड्स उसी बॉक्स में से चूज़ करके लिखने हैं तो क्या हो सकता है जो फेवरेट फूड चीज़ी चीज़ से भरा हुआ डिलीशियस बहुत ही आ, मज़ेदार और यमी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल जिसको खा के बहुत मजा आ जाए तो ये आपके फूड के बारे में थ्री वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इसके बाद फोर्थ है राइट थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर या फादर अपने फादर या मदर के बारे में तीन वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करने जैसे वो क्या हैं वो सपोर्टिव हैं हमने यहाँ से इसको चूज कर लिया लिख दिया सपोर्टिव हमारी बहुत हर हाँ बात में सहायता करते हैं हमें सपोर्ट करते हैं हमारे बात का कर समर्थन करते हैं फिर दूसरा वो लविंग है तो वो यहाँ से चूज कर लिया फिर वो केयरिंग भी हैं और केयरिंग जो है क्योंकि वो केयरिंग है तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ केयरिंग वो हमने यहाँ से इसको चूज कर लिया केयरिंग यानी ये तीनों क्वालिटी हमारे फादर या मदर में है ये रहा केयरिंग इसमें से हमने इसको चूज़ कर लिया है केयरिंग फिर उसके बाद है लास्ट राइट थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ दैट यू आर वियरिंग यानी जिस तरीके के क्लोथ आप पहनते हैं तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं तो इसी में से ही चूज़ करना है इसी में से तो जैसे वो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए वेल स्टेज वेल स्टेज होते हैं येरा वेल स्टेज लिखा हुआ येरा यानी बिल्कुल अच्छे से सिले होते हैं फिर किसी कलर का नाम लिख दीजिए कि वो ब्लू कलर के होते हैं और क्लीन भी तो होते हैं जो आप क्लोथ पहनते हैं वो कैसे होते हैं क्लीन होते हैं ना तो ये आपके क्लोथ्स के बारे में थ्री डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं यानी आपके क्लोथ्स के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सो so, इसका मतलब ये हुआ कि द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एड्जेक्टिव यानी जो वर्ड्स हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं एंड इज दिस इज आ टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट और यही हमारा आज का टॉपिक भी है एडजैक्टिवस इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था अगर मैं पहले बता देता तो शायद आपका मज़ा भी ख़त्म हो जाता और आपको समझ में भी नहीं आता तो जो वर्ड्स जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी किया और अभी हम टू में भी कर रहे हैं कि जो भी नाउन के बारे में नाउन क्या है पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल उसके बारे में कुछ भी चीज बताए कि वो अच्छा है गंदा है कुछ भी चीज बताए तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ओके समझ में आ रहा है नाउ द क्वेश्चन नंबर सी सर्कल द एडजेक्टिव इन द पैसेज एंड फिल दम इन ब्लैंक्स बिलो यानी अब एक पैसेज आ रहा है उसमें से आपको क्या करना है जो एडजेक्टिव्स हैं यानी जो नाउन के बारे में हमें कुछ भी बता रहे हैं उनको आपने सर्कल करना है और फिर उसको नीचे दिए गए बॉक्स में हमें लिखना है तो लेट स्टार्ट विद मी लिटिल देखिए लिटिल को इन्होंने पहले से ही सर्कल uh, कर रखा है आपके एग्जाम्पल के लिए अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू तो राजू तो नाउन है इसको नहीं लिखना इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे वो वर्ड हमें करना है राजू एक लड़के का नाम राजू पुट ऑन हिज वार्म वार्म जैकेट जैकेट तो थिंग हो गई यानी वो जैकेट क्या हो गया नाउन तो उसके बारे में जो बता रहा है वो हो गया एडजेक्टिव। वार्म जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम तो होम क्या हुआ होम प्लेस होता है ना वो तो नाउन है तो उसके बारे में बता रहा है कोजी का मतलब गरम गरम सा कोजी ये हो गया एडजेक्टिव फिर उसके बाद है इट वॉज अ कोल्ड नाइट तो कोल्ड क्या हो गया कोल्ड भी हमें नाइट के बारे में बता रहा है ना तो ये भी एडजेक्टिव है कोल्ड नाइट इट वॉज अ कोल्ड नाइट विद अ क्लियर स्काई स्काई के बारे में हमें कुछ बता रहा है तो वर्ड इज क्लियर तो यानी वो जो रात थी बहुत ठंडी थी और बिल्कुल क्लियर स्काई के साथ थी द स्टार्स वर ब्राइट देखिए स्टार्स क्या हो गए नाउन हो गए और ब्राइट वो ब्राइट का जो बता रहा है कि वो स्टार्स कैसे थे ब्राइट तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि स्टार्स कैसे थे ब्राइट थे एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटिफुल कॉन्स्टलेशं और वो ही कौन हो गया ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया भी था लास्ट टाइम कि ही क्या होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है वो प्रोनाउन ही लुक द ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेश तो तारों का समूह को बोलते हैं कॉन्स्टलेश और उसके बारे में क्या बता रहा है ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हो गया सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार तो उसने एकदम अचानक क्या देखा एक शूटिंग स्टार देखा ही कुडंट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई एंड वॉन्डरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई तो उस वो अपने आप को रोक नहीं सका स्काई की आ, की तरफ देखने से और वॉन्डरिंग और वो निहारता रहा आ, सारी रात उस नाइट वाले स्काई को तो स्काई नाइट तो देखिए नाइट स्काई ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है स्काई इज़ द नाउन एंड नाइट इज़ द एडजेक्टिव तो इस तरह से ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमें इन बॉक्सेस में भी लिखने जैसे लिटिल वार्म कोजी कोल्ड क्लियर ब्यूटीफुल ब्राइट नाइट और यहाँ पर हम एक और भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा था शूटिंग स्टार तो ये भी हो सकता है वैसे तो एंड तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एन एग्जेक्टिव इज़ यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा जो एग्जिव होता है वो कहाँ प्लेस होता है वो नाउन से हमेशा जस्ट बिफोर यानी जस्ट पहले होता है तो जैसे हमने अभी ऊपर आपको सिखाया जैकेट क्या है जैकेट नाउन है तो उससे जस्ट पहले कौन सा वर्ड है वार्म गर्म गर्म जैकेट तो जो गर्म हो गया वो एडजेक्टिव हो गया तो इसलिए बताया गया है कि एडजेक्टिव जो होता है वो ज्यादातर नाउन से जस्ट पहले लगा होता है तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना और कोविड नाइन्टीन देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं थैंक यू वेरी मच